जब मैं कुआरा था ना तो मुझ पे लड़के ही में मरती थी, यकीन माने ही में मरती थी ना, तो मेरी घर वाली जड़ी है मेरे को बात तो वैस अभी जो है तकरीबन आधा घंटा जो है अम्मी को ऐसे करते हुए हो गया है। तो बस देखने में जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका जायका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कड़वा है। तो 10 दिन तक जो है मेरे हाथों में सी की कड़वाहट जो है नहीं जाएगी। तो बस ये जो है बहुत ही काम की चीज़ है। तो अम्मी जो है बीमार थी तो इस वजह से हमने इसको जो है ले आए हैं उधर से, क्योंकि हमारे गाँव में जो है ये बहुत ही आम होते हैं। तो बहुत सारे बहनों के कमेंट आए हुए थे कि आपने जो है इसके बारे में मज़ीद बताया नहीं है, तो इस वजह से आज हमने कहा कि उस बहन भाइयों को भी पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ को जो है दूर करे। आज की आप वीडियो शुरू करते हैं तो आज आप व्यूअर्स देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में खरबूजे की तरह एक फल उठाया हुआ है, लेकिन ये फल नहीं है, ऐसे समझ लीजिए जहर है। जहर से भी ये बढ़ के देखने में ये बहुत खूबसूरत है। और अगर जैसे बेगम मेरी काट रही थी, मेरा तो दिल कर रहा था ऐसे ही मैं खा जाऊं, लेकिन ये आम चीज़ इसे आप ना समझे, ये दुनिया के ख़ास तौर इलाकों में पाया जाता है, लेकिन ये जिसकी ज़रूरत जहाँ वहाँ ये काम होता है। हमारे पास तो इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से लोग थैले भर भर के लेके जाते हैं, हकीम हो गए और डॉक्टर हो गए, काफ़ी लोग ले जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है। ये चीज़ यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ जाके ये लाखों में बिकती है, लेकिन हमारे पास तो ये मुफ्त का इलाज है, ठीक है ना विवाह? तो बेगम पहले हाथ नहीं लगा रही थी क्योंकि इसे पहले वाली बात याद आ गई, क्योंकि उस दिन भी इसने जब ये इलाज हमने किया था तो 20 दिन बेगम के नाक से मुंह से जायका और इसकी जो कड़वाहट होती है वो नहीं जाती। तो ये मजबूरन तो, और अम्मी जो है आपको तो पता है माशाल्लाह मेरी भी उम्र इतनी होगी और अम्मी की तो आप सोचे कितनी हो गई होगी। तो अम्मी जो है काफ़ी दिन से बीमार भी थी, तो ये काफ़ी हमारे बहन भाई भी पूछ रहे थे कि आपने बताया नहीं है ये किस चीज़ के लिए और कितनी बीमारियों के लिए ये मुफीद है। ये तो, मीठा भी बन जाता है इसका जो है मुरब्बा बनाते हैं। अम्मी के हाथों को चेक करें, अम्मी जो है देखें कितनी कमज़ोर हो गया है, तो उम्र का तकाजा भी है। मैंने अम्मी को कहा है कि आप ना काम ना किया करें, आपकी माशाल्लाह से आप औलाद जवान अमान है, तो आप जो है चलें अभी जो है अम्मी को हम इसमें खड़ा करेंगे, बिस्मिल्लाह करें और शुरू हो जाए। तो अभी बस आज अम्मी जो है इसमें पूरा आधा घंटा खड़ेगी, ये अम्मी के पैरों में जाए वो हो जाए फिसल जाए। आम ऐसे आपने पूरा ऐसे इनको बिल्कुल ब्रेक कर देना है पैरों के साथ, ये तब तक इसमें खड़ेगी जब तक गले में इसकी कड़वाहट नहीं पहुंचती। इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूं कि ये किस किस बीमारी के लिए मुफीद है। तो मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, वो उनका जो है मुफ्त में भला हो जाएगा, और ये हमारे पास तो मुफ्त में ये चीज़ पाई जाती है। तो अभी जो है अम्मी अपना जो कहेगा तो उसको पूरा ट्रक बनावा के
भेज देंगे जरूर, क्यों नहीं। ट्रक तभी कहे जब ये हो, तब ना कहे जब ये खत्म हो जाए। नहीं नहीं, ये लाखों का इलाज जो है मुफ्त में, अगर हम लाखों के लगाएं तभी इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो यकीन माने व्यूअर्स, ये शर्तिया इलाज है और ये ज़रूर फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। बहुत ही बड़े फ़ायदे हैं इनके आपको, तो हमारे तो छोटे छोटे बच्चे यकीन माने इसी चीज़ के साथ देखे, ये बहुत कड़वा है, बहुत ही ज़्यादा कड़वा है। मुझे तो दूर से इसकी कड़वाहट जो है महसूस हो रही है। तो वैस अभी जो है तकरीबन आधा घंटा जो है अम्मी को ऐसे करते हुए हो गया है, और लगातार जो है 3 दिन जो है ऐसे करेगी तो फिर जाके अम्मी की कुछ तबीयत जो है, जोड़ों का दर्द जो है आराम होगा। तो वैस मैं बताता हूँ आपको ये किस किस चीज़ के लिए मुफीद है। तो विवाह जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये है कि ये ऐसे ही करें 3 दिन लगातार, कोई इसमें ज़्यादा यानी कि काम करने वाली चीज़ नहीं है। काटना है, एक छोटा सा थाल लेना है, उसमें काट के तो पैरों से जो है आपने इसको मसलना है। तो इसकी जो कड़वाहट है जब तक गले तक ना जाए आपने नहीं छोड़ना, 3 दिन लगातार ऐसे करना है। बस बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, यकीन माने अभी हमारे पास इतनी गर्मी है, वहाँ पे जो है गीज़र इस्तेमाल हो रहे हैं, 5 मिनट्स पे जो है सर्दी है वहाँ पे। तो ये इलाज जो है उनके लिए बहुत, जो बहनें आग पे बैठी रहती हैं और फिर उठ के चल भी नहीं सकती, तो ये 3 दिन फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, फ्री का फार्मूला है। और यकीन माने इनका जो अप्रूवड है, यकीन माने आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने हमने इलाज किया और इतना सब कुछ किया तो फिर भी एक छोटी सी चीज़ इतना फ़ायदा कर गई। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके मुफीद क्या है, इसकी इलाज बीमारी के जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ख़ास तौर पे जो पैरों में जलन होती है, दिमाग में, हथेलियों में जलन होती है, तो इस तरह से करने से ये जलम सा खत्म हो जाए। सबसे ज़्यादा मुफीद है जोड़ों का दर्द। हाँ। जो माएँ उठ के चल नहीं सकती, अक्सर उठते वक्त ना यहाँ पे सारी सरह की जबान है चलते कड़ाके थी मैंने, तो आज शायद जो है हसी मुझे हकीम बना हुआ है। हसी मुझे ये तो ऐसे बता रहा है कि आप ना आज पूरे हकीम लग रहे हैं। हसी मुझे इस बात पे आ रही है क्योंकि देखे अल्लाह माफी करे, ये थोड़ी सी फनी है, उम्र तो हमारी भी ढलनी है, ये नहीं कि किसी की नहीं ढलनी, कड़ाके सारे दे थे बुढ़े, चाहे बड़े चाहे छोटे। ये जो इलाज है शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो यकीन माने पहली ही बार आपको पता चल जाएगा कि शुगर कितनी लोन होगी, जोड़ों का दर्द, हाथों में जलन, पैरों में जलन, ये सब इनके लिए मुफीद है, बहुत ही मुफीद है। और यकीन माने हमारे पास तो ये एक मुफ्त का इलाज है। और ये मैं मैसेज आज आप तमाम बहन भाइयों के लिए पहुँचा रहा हूँ, आपने ये ज़रूर यूज़ करना है। और जो लाखों का जो ये सोचते हैं मियां बीवी बस यही सोचते रहते हैं कि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए और किसी न किसी का बल्ला हो जाए। तो अम्मी जान की भी तबीयत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और अभी अम्मी जान जो है थक गई है, तो इसको बिठाओ शहद, क्योंकि पौना घंटा थी कि मेरी अम्मा जेड़ी है ना वो खड़ी है सही। तो देखो ना विवाद, जेड़ी चीज़ फायदा देवे ना वो ज़्यादा यूज करो। विवाद आखिरी गाल है जेड़ी मैं करके दे वाला आपकी वीडियो का अख्ताम करे सा। तो विवाद मैं जो है स्लिम और स्मार्ट क्यों, स्लिम स्मार्ट स्लिम स्लिम हो दे या कोई चीज होंदी है, बरहाल मैं इतना पढ़िया कह नहीं, तू तो ज्यादा पढ़ी हुई है, मैं मैट्रिक की थी तू 12 पढ़ी हुई है। तो विवाद मैं ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट क्यों हूँ, तो इसका ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको कल बताऊँगा। तो यकीन माने जब मैं कुआरा था ना तो मुझ पे लड़के ही में मरती थी, यकीन माने ही में मरती थी ना, तो मेरी घर वाली है जेड़ी मेरे को वाल वाल फोन करके आ दिए भला थी भी शादी करे ना मेरे नाल करे, जे अगर मेरे को दीता था धोखा तो वाल चंगा। यकीन मानो विवाद मैं बड़ा खूबसूरत आमी, लेकिन इंसान को परेशानियाँ ते काफ़ी जड़े हैं ना, वो इंसान वास्ते जड़े इंसान उतर हैवी थी मैंने।